Daily Bulletin is presented by Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchhale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government ETI, Dargah Road, STVT. शुरुआत करते हैं दिल्ली बुलेटिन के। सबसे पहले नजर डालते हैं इंटरनेशनल न्यूज पर। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स की इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। विक्ट्री यूक्रेन में ऑलरेडी जो है शुरू हो चुकी है और यूएस के रैम्प्स जो है एड्स भेज रहे हैं। यानी कि आपको बता दें कि न्यूक्लियर वेपन्स एक मिलिट्री विक्ट्री है। न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है मिलिट्री विक्ट्री के लिए यूक्रेन में। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन जो है ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है वो एक्सकलेट नहीं होगी न्यूक्लियर वॉर में। वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी कंसर्न्ड हैं। पुतिन जब कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। वर्ल्ड वॉर टू में जिस तरह से हिरोशिमा नागासाकी पर जिस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स डाले गए थे और कई साल तक वहाँ पर लोग परेशान थे, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स आज के ज़माने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिएगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो मोदी 3.0 कैबिनेट में चल रही है इंटेंस जॉस्टलिंग, यानी कि किसको मिलेगा रेलवे पोर्टफोलियो, किसको मिलेगा इकोनॉमिक पैकेज, इस पर काफ़ी बात चल रही है। और नेगोशिएशंस में जेडीयू और नीतीश कुमार की जेडीयू और टीडीपी के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग पार्टियों ने भी अपने अपने स्टेक्स रखे हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू को मिल सकते हैं 4 या 3 कैबिनेट्स और टीडीपी को भी इस तरह की मिनिस्ट्रीज मिल सकती है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ ऑफिशियली बाहर नहीं आई है, इसलिए हमारे पास भी कोई अपडेट नहीं है। आपको बताते हैं साथ साथ सोनिया गांधी को री इलेक्ट किया गया है कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन की पोस्ट पर। सोनिया गांधी का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है। आपको बता दें कि साथ साथ जो कांग्रेस की वर्कर्स कमेटी है उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन चूज किया है राहुल गांधी को। सब लोगों ने यूनानिमसली ये डिक्लेयर किया है कि राहुल गांधी बनेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ही रहेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बन सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। अल मिजा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहरम उमरा पैकेज है जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उमरा 90,000 रुपीज में, 20 दिन का उमरा 1,02,000 और 28 दिन का उमरा 1,20,000 रुपए। जरूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद एक अफसोस भरी खबर लाते हैं जहां पर 11 साल की एक लड़की ने पिज्जा खाने के बाद उसकी डेथ हो चुकी है। जी, आपको बताते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ जो है एमएसएन केट कॉल जो एक स्टूडेंट है लॉरेंजा डी सवाला मिडिल स्कूल लाजोया टेक्सास की, पिज़्ज़ा उन्होंने स्कूल पे खाया था ये लड़की ने, उसके बाद वो बीमार हो गई थी। उसकी मम्मी ने उसे परमिशन देकर बेनेड्रिल करके दवा जो आती है वो उन्होंने पिलाया, लेकिन उसके बाद वो बच्ची ने वॉमिटिंग कर दी उस मेडिसिन पीने के बाद। बताया जा रहा है कि टाइम कॉल की जब ग्रैंड मदर स्कूल को आई तो बच्ची गिर चुकी थी। उसके बाद CPR देने की उसकी कोशिश की, पैरामेडिक्स वहाँ पर आए लेकिन उसे हॉस्पिटल ले गए थे। बताया जा रहा है कि उसे डायरी की एलर्जी थी, यानी कि दूध की एलर्जी जिसे होती है, और ऑब्वियस बात है पिज़्ज़ा में जो चीज़ वगैरह होता है शायद उसकी वजह से जो है उसको इम्यून रिएक्शन हो गया प्रोटीन से जो कॉ के मिल्क में रहते हैं, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ की एलर्जी हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर से बताइएगा, खास तौर पे ज़रूरी दिखिए। पिज़्ज़ा तो सब लोग खाते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स, लेकिन हमारे पास भी खानदान में जो है 2 से 3 बच्चों को मिल्क एलर्जी है, यानी दूध की ही एलर्जी होती है, तो ये कॉमन बात है, इसमें आप लोग घबराएगा मत। आपको बता दें कि जेडीयू ने कहा है कि कोई भी एंटी मुस्लिम कैंपेन में वो सपोर्ट नहीं करेंगे बीजेपी के साथ, उन्होंने कहा। आपको बता दें केसी त्यागी जो जेडीयू के लीडर हैं उन्होंने कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो सेंटर में प्रोपोगेट कर रही है मुस्लिम्स के अगेंस्ट, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट, ऐसा हमारा कोई राय नहीं रहेगा। आपको बता दें खुले तौर पर होंगे नो एंटी मुस्लिम एंटी माइनॉरिटी कैंपेन विल रन, इस तरह की बात कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात ये बताई जा रही है। आपको बता दें जेडीयू में मुस्लिम्स का काफ़ी बड़ा सपोर्ट जो है जेडीयू को मिला है, और जेडीयू ये नहीं चाहेगी कि मुस्लिम के खिलाफ कोई कैंपेनिंग हो और उसका वो हिस्सा बने। आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी और जो है कई सारे बयान जो आए थे माइनॉरिटी से खिलाफ आए थे, मुस्लिम के खिलाफ आए थे, लेकिन आने वाली सरकार जो बन रही है, जो मिली जुली सरकार जो बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो है एक राहत है, इस तरह के बयान नहीं आएंगे।
वहीं आपको दूसरी तरफ इलेक्शन की एक और अपडेट बता दें, ममता बनर्जी जो है इस बार ये कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन जो है क्लेम कर सकता है, बीजेपी फॉर्म करी है गवर्नमेंट इलीगली। यहाँ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि अपोजिशन इंडिया ब्लॉक पोटेंशियली क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट फ्यूचर में। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में फिलहाल के लिए इंडिया ब्लॉक के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये जो एनडीए सरकार है जो बीजेपी लेड है वो कभी भी पावर से गिर सकती है, अनस्टेबल और वीक गवर्नमेंट है और ये कभी भी गिर सकती है, तो बस वेट एंड वॉच का मामला उन्होंने कहा है। गुरुप्रकाश आपको बताते हैं, सुभाष चंद्र पाटिल समरा कल्याण ट्रस्ट मेंबर्स ने प्रेस मीट की है, उनका डिमांड क्या है आइए देखते हैं। बरगा में श्री सुभाष चंद्र पाटिल स्मारक जन कल्याण ट्रस्ट के ओर से हर साल बसवा पुरस्कार और बसवा सेवा रत्न बोल के ये जो प्रशस्ति है बसवा पुरस्कार जाने माने लेखक और कवि कर्नाटक के कवियों को दिए जा रहे हैं। 14 लोगों को बसवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरद टॉवर्स एम एस के मिल रोड गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक, अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवरगी रोड। जीवर्गी और यद्रमी समाज के संगठन के यूथ ऑर्गेनाइजर्स ने एसएससी टॉपर फेलिस्टेशन प्रोग्राम रखा है 10 जून को। ये प्रोग्राम के अंदर सभी एसएससी बच्चों को फेलिस्टेट किया जाएगा, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए आइए देखते हैं। यड्रामी ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ಯುವ ಘಟಕ ಇವೆರಡರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಡ್ರಾಮಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಭೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ ಏನು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಏನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯಡ್ರಾಮಿ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅವಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 90ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನಾವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ। हमेशा हर साल की तरह साल भी 620वें उर्स शरीफ दरगाह ख्वाजा बंदनवास सुराज रहमतुल्लाह अलैह के ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के मौके पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की गई। हाफिज मोहम्मद सैयद अली अल हुसैनी साहब ने इसे लीड अप किया, प्रिसाइड किया इस इवेंट को। इस इवेंट में चीफ गेस्ट रहे आर चेतन कमिश्नर ऑफ पुलिस गुलबर्गा, सभी शॉप ओनर जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शॉप्स को डेकोरेट किया था उन्हें भी प्राइजेस मिले हैं, पार्टिसिपेशन लोगों को भी प्राइज मिले हैं और साथ साथ सपोर्टिंग स्टाफ डॉक्टर्स की टीम मेडिकल टीम और डेकोरेशन की टीम होती है और लोकल कॉर्पोरेटर होते हैं, सभी लोगों को अवार्ड्स दिए गए। बुलेटिन का आखिर में आपको बता दें कि आज का T20 वर्ल्ड कप का मैच सबसे फेवरेट और सबसे हाई TRP मैच है, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहाँ T20 इंटरनेशनल 19th नंबर ये मैच है 55 में से, जो कि नासावा काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ज़रूर आप लोग भी बनी रहे इंडिया में, रात 8 बजे ये मैच आप देख सकते हैं, तो ज़रूर टीम इंडिया को सपोर्ट करें और शेयर करें। Thought for the day is presented by Desi Gold Pure Chakki Atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. ये थॉट ऑफ द डे मेरे बेटे अली अब्बास ने भेजा है कि योर वैल्यू डज नॉट डिक्रीज बेस्ड ऑन समवन्स इनएबिलिटी टू सी योर वर्थ, यानी कि आपकी वैल्यू किसी और की समझने की कैपेसिटी जिसकी नहीं है उनके हिसाब से आपकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है, आपकी वैल्यू आपके हिसाब से रहती है। तो ज़रूरी नहीं कि किसी को समझ में आए किसी को ना समझ में आए, बात वक्त क्या होता है कि अक्सर जो है हम देखते हैं घर में हो खानदान में हो लेडीज़ में रहो वर्क में रहो लोग आपको जो है वैल्यू नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके आप वैल्यू नहीं हैं, ऐसा मत समझिए, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Darga Road, Gulbarga. आज के हेल्थ बेनिफिट्स में हम बात करते हैं लिटिल मिलेट की। जी हाँ, लिटिल मिलेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बोन को स्ट्रेंथ करती है, रिच इन फाइबर है, बूस्ट करती है एनर्जी लेवल, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है और ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है, वेट लॉस में भी हेल्प करती है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में।
सबसे पहले कमेंट आया है चांद पाशा के लिखा था, भाई सहारा के पैसे जा रहे, बोलिए कब चालू होते हैं, बल्कि बोल रहे हैं सहारा का पैसे मुझे अब तक समझ में नहीं आया, आप कोसे वाले पैसों की बात कर रहे हैं। शेख जुरियत ने सलाम लिखा है, आतिक रहमान ने माशाल्लाह लिखा है, जर्दी ने भी सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। अगर मोदी ना होना, लोग मोदी से नफरत करते, तो आवाम को खुल के बोलना होगा हमको मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होना, शेयर मार्केट स्कैम हुआ, नीट एग्जाम रिजल्ट ऐसे आए, मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ रही, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, आवाम फिर भी सब शहरी मेरे समझ के बाहर है, लिख रहे हैं। ताब कर्नाटक में 5 गारंटी कंटिन्यू चलेगी क्या, अन्ना भाग्य ग्रह लक्ष्मी ग्रह ज्योति बोलिए प्लीज़, लिख रहे हैं असीम जुबैर। अशफाक खादरी लिख रहे हैं 1.6 मिलियन किट होते हैं 1000 में, लिख रहे हैं फूड सेफ्टी के कानून स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। सईद मोइन पटेल सलाम लिखा है। शाह सौरदी लिख रहे हैं जसकॉम का सर्विस वेस्ट हो गया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा 5 दिन से, डेली 8 to 9 आवर्स लाइट जा रही। बिल्कुल आज मैंने जो बुलेटिन में इंक्लूड किया है वही न्यूज़ निकला, कर्नाटक लेवल पर जो है बात जा चुकी है गुलबर्गा की। कार्य हमारे 12 मूवी कर्नाटक बैन करने का क्रेडिट गुलबर्गा के SDPI के अली मिलाही और उनके साथियों को जाता है, ये बात भी मालूम होना चाहिए, लिख रहे हैं टीपू बॉय। तारीब आंध्र प्रदेश और बिहार के लोगों को बोलो उनके CM के घर के सामने प्रोटेस्ट करो, बोलो कि NDA में नको मिलने के लिए इंडिया में मिलने के लिए बोलिए, लिख रहे हैं रहीमुद्दीन। भाई हाजी लोगों के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, सारे तबसुम लिख रहे हैं। कल फुल नाइट फिर आज भी फुल नाइट लाइट गुल, आखिर क्या हो गया जसकॉम को, उनका जब कॉल किया जाता है हर एक कोई बोलता आधा घंटा फिर कॉल बैक करना। तो मोहम्मद अफरोज बिल्कुल ये हम खुद भी जूझ चुके हैं इस प्रॉब्लम से, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं, आई थिंक द सिस्टम हैज़ टू बी रिवाइज्ड, कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना ज़रूरी, लेकिन लाइट भी जो है बहुत जल्दी चली जाती है लाइट, जैसे क्योंकि रिस्क भी होता है कि कहीं किसी को करंट ना लगे, लेकिन वायर गिरते क्यों है तो जल्दी समझ में नहीं आता। सही जाफर इतार भाई थोड़ा नीट रिजल्ट के बारे में बताइए, क्या दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई भी नहीं है, नीट की कम्युनिटी बिल्कुल ये बात नहीं मान रही। काशिफ खाजिल के 2 साल का है वीडियो, ये 3 साल पुराना वीडियो है। कल के बुलेटिन में इंडिया पाकिस्तान का मैच का अपडेट ज़रूर देना, लेकिन सैयद सादिक हुसैन बिल्कुल आज हमने इस मैच को इंक्लूड किया है, तो ज़रूर हम ये मैच देखेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उम्मीद करते हैं इंडिया जीत जाए। कर्नाटक के लोग कांग्रेस के काम साथ दिए इलेक्शन, लिख रहे हैं इंडिया वन, लिख रहे हैं इमरान OH। डेडिकेट फॉर SDPI टीम बैन हमारे 12 मूवी कर्नाटक, एफर्ट फ्यूल अचीवमेंट, एट द हार्डर यू वर्क द ब्राइटर यू अकम्पलिशमेंट, शाइन द गैलरी ऑफ सक्सेस, लिखे रोशन जी। नाथ मैडम का काम देख के बड़ी खुशी हुई, गोगन ग्रुप इस तरह के हम सब लोग को मिलकर काम करना चाहिए, 2017 झाड़ लगाए हैं तो और आज छोड़नी दे रही है, सब लोग कम से कम एक झाड़ जरूर लगाएं, लेकिन सैयद सुलेमान बिल्कुल सही कहा आपने। कार भाई क्या आपके 2000 में भी बंद हो जाएंगे क्या राशन के पैसे? नहीं, वो बंद नहीं होंगे, वो बिल्कुल आते रहेंगे। कर्नाटक में जो फिल्म बैन की गई, तेलंगाना में भी और पूरे इंडिया में भी बैन करना चाहिए, लिख रहे हैं हबीब भाई। अब बैन ही हो जाएगी क्योंकि एंटी मुस्लिम कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलना चाहिए, सब लोग मिलकर एक दूसरे को लेकर चलना चाहिए। आई थिंक अब ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से बंद होना शुरू हो जाएंगी। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KVN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लोथ मर्चेंट्स, पावर्ड बाय बेग न्यूरोसाइकियाट्री हॉस्पिटल एंड द एडिक्शन सेंटर, अपोजिट गवर्नमेंट TTI, दरगाह रोड, SDBT।